आपके साथ प्रियंका। अनूपगढ़ से हमारे संवाददाता केशव नायक ने बताया कि कोरोना महामारी की मार चल रहे गरीब मजदूर परिवारों को रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। ऐसे में शहरों की कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले लोगों को सरकार द्वारा नरेगा योजना का लाभ भी नहीं दिया जा रहा। इसी की मांग करते हुए आज श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ कस्बे के कच्ची बस्ती प्रेमनगर के वार्ड नंबर 4 के लोगों ने यह आवाज उठाते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर रोजगार के लोगों के साथ में वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 4 से पेमाराम नायक ने बताया कि वार्ड नंबर 4 प्रेमनगर एक कच्ची बस्ती है जहां 80% लोग SC ST के हैं और उनका जीवन दिहाड़ी मजदूरी पर टिका हुआ है। अतः उन्होंने उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर प्रस्तुत करके रोजगार की मांग की। सबको पता है कि लॉकडाउन के कारण जो है अर्थव्यवस्था काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है, लोगों के सामने रोजगार की समस्या आ चुकी है। अनूपगढ़ में वार्ड नंबर 3 से लेके 6-7 तक जो है कच्ची बस्ती के वार्ड हैं जहाँ अधिकतर गरीब जनता जो है वो रह रही है, जिनके पास रोजगार का कोई छोटा मोटा साधन भी नहीं है। पहले दिहाड़ी मजदूरी करते थे, आजकल वो भी कम हो गई है। तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है कि जैसे नरेगा स्कीम चल रही है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, वैसे शहरी क्षेत्र की जो जनता है उनके लिए भी दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के लिए भी कोई ऐसी रोजगार की व्यवस्था शुरू की जाए। हमने ज्ञापन दिया कि हमारे वार्ड नंबर 4 प्रेमनगर में बहुत से गरीब लोग रहते हैं और उनके लिए साहब से निवेदन किया कि नरेगा वगैरह या अकाल रात कोई भी कार्य चलाया जाए, क्योंकि कोविड-19 के तहत बहुत से लोग, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो आज भी घरों में बैठे हैं, जिनके लिए जो दिहाड़ी मजदूरी करते थे आज उन्हें रोजी रोटी के लिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। और साहब से हमने रिक्वेस्ट की है, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के ज्ञापन दिया SDM साहब के मार्फत, जिससे कि हमें गरीब लोगों को कुछ राहत मिली।